आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जमालपुर थाना अध्यक्ष को फोन कर बढ़ाया हौसला। कोरोना को लेकर देश में लॉकडाउन 3 की घोषणा कर दी गई है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स के रूप में बिहार पुलिस के जवान लगातार हमें बचाने के लिए फ्रंट पर खड़े हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं इनके बीच बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लगातार इनका मनोबल बढ़ाने में जुटे हुए हैं। चाहे वह पुलिस के पदाधिकारी हो या कोई जवान, वह कभी भी किसी भी वक्त कॉल कर उनसे लॉकडाउन का अनुपालन से लेकर पर्सनल हाल चाल की भी जानकारी लेते रहते हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने जमालपुर थाना के एसआई रंजन कुमार से भी जानकारी ली। हाँ हेलो, नमस्कार, मैं डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। आप रंजन बोल रहे हैं? सर जी सर। रेड जोन के जमालपुर के थाना प्रभारी हैं आप? सर। क्या है, आप इंस्पेक्टर हैं? सब इंस्पेक्टर सर, सब इंस्पेक्टर हैं सर। कौन सा बैच है आपका? सर 2009 बैच के हैं सर। क्या चल रहा है लॉकडाउन आपके यहाँ? सर लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है सर, पूरे जमालपुर के सर 3 दिन। जी सर। सर कंटेनमेंट जोन का समाचार बताइए। सर ये जमालपुर के पूरे 3 किलोमीटर के एरिया को सर बैरिकेटिंग लगा करके सीलबंद कर दिया गया है सर, जिसमें सर हमारे 24 घंटे से पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति है सर। हाँ। और जिसमें इमरजेंसी पूरे एरिया को अच्छे से सील किए हैं लोग, बाहर का लोग कोई जा नहीं रहा है? नहीं सर, एकदम नहीं जा रहा है सर। कोई भीतर एक्टिविटी नहीं हो रही है ना? नहीं सर, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है सर। जो भी आपके बारे में हमको पता चला कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके थाने में 100 से ऊपर कोरोना की पॉजिटिव केसेज आ गए, आपको पता है ना? सर जी सर। तो आप एक नंबर पर हैं अभी बिहार में, सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति है सर। आप थाना प्रभारी हैं तो आपकी जिम्मेवारी तो बढ़ जाती है। जी सर। लेकिन लोगों ने बताया हमको कि आप बड़ा मुस्तैदी से संभाले हुए हैं सर, और मुंगेर में अब एक भी बढ़ने नहीं दीजिएगा सर। सही बात है सर, एकदम नहीं बढ़ेगा सर इसमें सर। एकदम नहीं बढ़ेगा, पक्का आश्वासन है ना? सर इसमें सर एसपी मैडम का काफी सहयोग, वो डेली खुद आ करके सर पूरे आपके एसपी अच्छा काम कर रहे हैं, डीआईजी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। तो हम केवल आप लोगों को सलाम करने के लिए फोन किए थे आपके अच्छे काम को। मुस्तैदी से जमे रहना है सर, कोरोना को हराना है सर। कंटेनमेंट जोन में तो किसी की एंट्री परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए, ठीक है? जी सर। कितने बाल बच्चे हैं आपके भाई? सर नहीं है सर, अभी नहीं सर। अच्छा अभी नहीं। पत्नी कहाँ है? सर पत्नी पटना में रहती है सर। बात करते रहिए, उनको टेंशन होता होगा, आप अकेले वहाँ हैं, पत्नी यहाँ अकेले हैं सर। और उनको कोई दिक्कत हो पत्नी को तो बोलिएगा, तो हम वहाँ के एसपी को बोल देंगे, वो उनका देखभाल जो भी कोई जरूरत होगा तो मदद करेंगे, ठीक है? सर जी। और एकदम बुलंदी के साथ लगे रहिए, गरीब को, मजबूर को, लाचार को, बीमार को, जो सेवा की जरूरत हो उसको सेवा दीजिए। बिल्कुल सर, ठीक है ना? जी सर बिल्कुल, सेवा हो रही है सर, हमारे पुलिस टीम के द्वारा सर काफी हो रही है। वेरी गुड सर, ठीक है रंजन जी, बस हम इतना ही जानने के लिए और आप लोगों के अच्छे काम को सलाम करने के लिए फोन किया। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आज बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सर का अचानक से कॉल आता है और आपको एक बधाई दिया जाता है कि युद्ध स्तर पे जो कोरोना की लड़ाई चल रही थी, जिसमें आपने काफ़ी संघर्ष के साथ और जनता को सर जागरूक किया और जमालपुर मुंगेर में जो हॉट स्पॉट बना हुआ है उसको लेकर, तो इससे सर क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे पुलिस परिवार के सबसे बड़े मुखिया डीजीपी सर का हमारे पास करीब 11 बजे आया, और ये किसी भी पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी SHO के लिए एक सौभाग्य की बात होती है कि आपके इतने बड़े पदाधिकारी आपको डायरेक्ट कॉल करके आपका कुशल क्षेम पूछते हैं और आपको एक सही मार्गदर्शन देते हैं कि किस प्रकार अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पुलिस सुरक्षित आम जनताओं की मदद करना है, बुजुर्ग जो भी जरूरतमंद इंसान है उसकी मदद करना है और इस विकट परिस्थिति कोरोना जैसे संकट से उभरना है। और जमालपुर मुंगेर वासियों के साथ पूरे बिहार वासियों को कोरोना से लड़ने के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे?
अपनी जमालपुर वासियों और मुंगेर वासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि घर में रहें, घर से बाहर न निकले। अगर किसी प्रकार की परेशानी या कुछ भी है तो अपने नज़दीकी थाना से संपर्क करें। अगर किसी भी प्रकार की दवा या कोई भी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो उसके लिए डायरेक्ट संपर्क करें और पुलिस परिवार कोशिश करेगी तो तुरंत तत्काल उनकी मदद की जा सके। इसके लिए हमारे एसपी मैडम का काफ़ी अहम रोल रहा है। वो खुद आगे बढ़ करके ज़रूरतमंद लोगों के पास सूखा राशन हो, दवा हो या चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना वो खुद आगे आकर के करती हैं, जिससे हमारे पुलिस कर्मी हमें भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। और एक इस कोरोना के चंद से हमारे एक सिपाही से लेकर बड़े पदाधिकारी तक मिलजुल कर काफ़ी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सर, इतनी बड़ी चुनौती है आपके सामने और जिसमें कि काफ़ी संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं, तो परिवार को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे अपने परिवार के बारे में? परिवार में मेरे मम्मी पापा धनबाद में रहते हैं जी, और मेरी पत्नी पटना में रहती है। और मैं अपने आप को एक खुशनसीब मानता हूँ कि मैं जिस प्रकार मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए अपने ईमानदारी को अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, उसी प्रकार मेरी पत्नी जो पेशे चिकित्सक है, एक सरकारी अस्पताल में पोस्टेड होते हुए वो भी जितने भी लोगों की सहायता सेवा कर रही है। इस प्रकार पति पत्नी हम दोनों एक जन सेवा, जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new